हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज की रेसिपी है मसूर की दाल और दाना मेथी की मिक्स सब्जी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये सब्जी हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने ये मसूर की दाल ली है, जिसे हमने 20 मिनट के लिए पानी में भिगो दिया है। ये हमने दाना मेथी ली है, दाना मेथी को भी 20 मिनट के लिए गर्म पानी में भिगो दिया है। दो कटी हुई हरी मिर्च ली है, थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, दो मीडियम साइज के कटे हुए प्याज, 8 से 10 लहसुन की कलियां हैं जिन्हें हमने बारीक काट लिया है, आधा चम्मच जीरा, हल्दी पाउडर, धनिया, लाल मिर्च और हींग। अब गैस की तरफ चलते हैं। इसे हम कुकर में बनाएंगे। सबसे पहले कुकर में तेल डालेंगे, तेल गरम हो गया है, अब हम इसमें जीरा डालेंगे और इसमें कटे हुए लहसुन डाल देंगे, कटी हुई हरी मिर्च, प्याज, कुछ देर तेल में भून लेंगे। अब इसमें हींग डालेंगे, प्याज भून रहे तब तक हम मसाला तैयार कर लेंगे। सबसे पहले कटोरी में नमक डालेंगे, धनिया पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च, अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। प्याज हल्के भून चुके हैं, अब हम इसमें हमने जो मसाला तैयार किया था वो भी डाल देंगे। अब जिस कटोरी में हमने मसाला बनाया था उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और उसे भी कुकर में डाल देंगे। मसाला अच्छे से भून गया है, अब हम इसमें भीगी हुई दाना मेथी और भीगी हुई मसूर की दाल दोनों ही डाल देंगे। अब इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे। आपको जितनी ग्रेवी करनी हो आप उस हिसाब से पानी डाल सकते हैं। अब कुकर के ढक्कन लगा देंगे और 2 सीटी आने देंगे। कुकर की भाप निकल रही है, अब हम ढक्कन हटाएंगे और सब्जी को। सब्जी बनकर तैयार है, अब इसमें थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला डाल देंगे और इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल देंगे। इसे कटे हुए हरे धनिये से गार्निश कर देंगे। दाना मेथी और मसूर की दाल की सब्जी बनकर तैयार है। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी है। आप भी इस तरह से बनाइए। आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।